नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर परमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सरोजिनी टेक्निकल एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे जीपीएससी एआरटीओ का 30 जैन 2018 का पेपर। उसमें हम 102 दो क्वेश्चन देख चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। अब देखते हैं 103 क्वेश्चन, जो कि क्या है। इसमें आपको दे रखा है कि दो एयर स्ट्रीम है और वो दो एयर स्ट्रीम हुए वो मिक्स हो रही है, और मिक्स होने के बाद एक स्ट्रीम बन रही है। एक स्ट्रीम बनने के बाद आपको उसकी एंथैल्पी कितनी होगी वो निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में। आप पेपर देख लेना, उसमें से अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो तो क्वेश्चन पेपर में देख लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको इस तरह कुछ दे रखा है कि ये कुछ इस तरह है। यहाँ पे मेरा वन है पार्ट, यानी कि टेम्परेचर वन होगा, प्रेशर वन होगा, एंथैल्पी वन होगी। ये मेरा टू पार्ट है, इसको नोमेनक्लेचर टू दे रहा हूँ, प्रेशर टू, एंथैल्पी टू। ये मेरा थर्ड पार्ट है, टेम्परेचर थ्री, एंथैल्पी थ्री, मास फ्लो रेट यहाँ पे थ्री होगा, मीन्स थ्री, हाँ थ्री ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मास फ्लो रेट मेरा एम टू रहेगा, मास फ्लो रेट यहाँ पर एम वन रहेगा। हमें क्या दे रखा है कि दो दो एयर स्ट्रीम है वो मिक्स हो रहे हैं और एक एयर स्ट्रीम बन रहा है, तो दोनों का डेटा दे रखा है। देखिए यहाँ पे मास फ्लो रेट जो है वो 36 kg/min है और 14 kg/min है इन दोनों का रिस्पेक्टिवली। उसकी एंथैल्पी 36 kg किलो जूल पर kg और 50 kg/kg रिस्पेक्टिवली है। आपको क्या करना है, मिक्सर जो इसका बनता है, जो है उसकी एंथैल्पी मुझे निकालनी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख लो क्या करते हैं हम पहले करेंगे एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस हम करेंगे, तो एनर्जी इनपुट और एनर्जी आउटपुट निकालेंगे हम। अब एनर्जी इनपुट देखिए, मेरा मास फ्लो रेट वन पे और एंथैल्पी एट वन पॉइंट प्लस मास फ्लो रेट एट एम टू और एंथैल्पी एट, यानी भी यहाँ पे एंथैल्पी और मास फ्लो रेट, एंथैल्पी और मास फ्लो रेट ये बन गया मेरा। और क्या होगा, एम थ्री मास फ्लो रेट थर्ड पॉइंट पे और वहाँ पे एंथैल्पी एम थ्री। ठीक है, अब ये जो एंथैल्पी, सॉरी ये जो मास फ्लो रेट है, ये इन दोनों का एडिशन होगा, यानी कि एम थ्री जो रेट है मेरा मास फ्लो रेट वो एम वन प्लस एम टू बन जाएगा। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम वन प्लस एम टू इंटू एच थ्री। ठीक है, और ये तो मेरा एम वन एच वन प्लस एम टू एच टू है ही, मुझे क्या निकालना है, एच थ्री निकालना है। तो एच थ्री को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, एम वन एच वन प्लस एम टू एच टू डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है, यहाँ पर डेटा रखते हैं हम, डेटा की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, एम वन की वैल्यू है 36, उसके बाद एंथैल्पी है 36 प्लस यहाँ पे 14, एम टू की वैल्यू और इसकी वैल्यू 50 डिवाइड बाई 36 प्लस 14। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा मेरा 1296। आप सॉल्व कीजिए अच्छे से, आपको पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है। ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 50। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा कुछ 39.92, यानी कि ये है समथिंग अप्रोक्स 40 kJ पर kg, जो कि आपका कौन सा आंसर है, डी। ठीक है, तो इस तरह आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिलेटिवली ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर यूनिट का प्रॉब्लम है कि एंथैल्पी का ये यूनिट कैसे आया, तो आप ये भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मास और एंथैल्पी है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे यूनिट रख दो तो आपको ये वाला यूनिट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।